गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स आज हम लोग जो है एम एस सी सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर की बात करने जा रहे हैं आप लोगों ने शुरुआत के दो यूनिट जो थे वो पढ़ चुके हैं सर ने उसे पढ़ा दिया है तो हम लोग तीसरे यूनिट पे बात करेंगे जो शुरुआत की दो यूनिट थी वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें फ़र्स्ट यूनिट में टेंसर एल्ज्रा था और दूसरे बारे में दूसरे वाले यूनिट में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ़रेंशियल मैनीफोल्ड था और कुछ एग्ज़ाम्पल्स थे जहाँ पर आपने वैक्टर वेक्टर वैक्टर वेक्टर, वेक्टर स्पेस की डिफरेंशियल वैक्टर फील्ड पढ़ा होगा आपने टेंजेंट स्पेस पढ़ा होगा टेंजेंट टेंजट को टेंजेंट स्पेस पढ़ा होगा और बहुत सारे फंडामेंटल कनेक्शंस के बारे में जाना जाना था इस यूनिट में हम लोग उसके आगे की बात करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर कुछ और टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे जिनका आगे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है इस पेपर में और आगे रिसर्च फील्ड में तो हम लोग सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है यूनिट थर्ड में जिसको टॉर्सन टेंसर कहा गया उसके बाद हम लोग इसमें कर्वेचर्स पढ़ेंगे उसके बाद बहुत सारे इसमें आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे रिमानियन कनेक्शन पढ़ेंगे बेंकी आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो हम इस इस यूनिट थर्ड में इसके बारे में बात करेंगे और यूनिट फोर की बात करें तो वहाँ पर एक्सटीरियर डेरीवेटिव और जो है सब मैनीफोल्ड और हाइपर सरफेस की बात करते हैं जिसको हम लोग जो है यूनिट थर्ड के बाद पढ़ेंगे ठीक है तो हम सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि टॉर्सन टेंसर होता क्या है कैसे ये डिफाइंड होता है और क्या क्या इसका रोल है ठीक है लेकिन इन सब चीज़ों को जानने से पहले आप यूनिट वन और यूनिट टू को एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आप बहुत आसानी से इंटरकनेक्ट कर पाएंगे ठीक है तो हम लोग टॉर्सन टेंसर के बारे में अब थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर करना चाहेंगे अगर हम टॉर्सन टेंसर की बात करें देखिए टॉर्सन टेंसर टॉर्सन टेंसर ठीक है कैसे ये डिफाइंड है जरा गौर करिएगा यूनिट थर्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं दिस इज यूनिट थर्ड ठीक है इसमें क्या है आप देखिए लेट काइएम जिसको आप लोगों ने यूनिट टू में देखा होगा काइम इज द कलेक्शन ऑफ डिफ्रेंसेबल वैक्टर फील्ड ठीक है जो कि यूनिट टू में डिफाइंड किया जाता है ठीक है बी बी द सेट ऑफ differentiable differentiable this is vector differentiable vector field uh, differentiable vector field on on differentiable on differentiable manifold m differentiable manifold m with with कनेक्शन यू नो दैट द मीनिंग ऑफ द कनेक्शन दे आर द सो मेनी प्रॉपर्टी ऑफ द कनेक्शन विच आर डिस्कस इन द यूनिट टू ठीक है डी द मैपिंग द मैपिंग टी सच दैट कायम क्रॉस कायम टू कायम ठीक है गिवन बाई न बाई टी एक्स वाई इज इक्वल टू y minus वाई माइनस डी वाई एक्स माइनस डी दिस इज सॉरी ली ब्रैकेट एक्स वाई आप ली ब्रैकेट के बारे में जो है पढ़े हैं ली ब्रैकेट कैसे डिफाइंड होता था यूनिट uh, टू में दिस इज दी ली ब्रैकेट इज द मैपिंग फ्रॉम क्रॉस टू ठीक है दिस इज डिफाइंड एज ली ब्रैकेट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस वाई एक्स इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है ये बाई लिंग होता है स्क्यू सिमेट्रिक होता है लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द ली ब्रैकेट तो टॉर्सन टेंसर इज डिफाइंड एज इन द टर्म्स ऑफ द को कनेक्शन एंड द इन द टर्म्स ऑफ द ली डेरिवेटिव ठीक है कैसे डिफाइन किया गया फिर सुनिए लेट काइम बी द सेट ऑफ ऑल द डिफरेंसेबल वैक्टर फील्ड ऑन द डिफरेंसेबल यम विथ कनेक्शन डी देन द मैपिंग टी काइम क्रॉस काइम टू काइम मतलब ये वैक्टर फील्ड का मेंबर है ये भी डिफरेंसेबल वेक्टर फील्ड का मेंबर है जो आउटपुट मिल रहा है वो भी वेक्टर फील्ड का मेंबर है जो इस तरीके से डिफाइंड है ठीक है देन 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 द वेक्टर देन द वेक्टर फील्ड देन द वेक्टर फील्ड टी एक्स वाई दिस इज बिलोंग्स टू कायम बिलोंग्स टू कायम इज इज is called is called the is called the torsion is called the torsion tensor or simply this is called the torsion to, called the torsion of the of the of the connection of the connection D and also टी इज एज ए टें टेंसर ऑफ टाइप वन कामा टू अभी हम देखेंगे कैसे इसके भाई आप जो बी एस सी थर्ड ईयर में पढ़ते हैं त, अगर टाइप वन कॉमा टू का टैंसर बोल रहे हैं तो आप इस तरीके की बात करते हैं ठीक है तो आप कहते हैं इसका टाइप जो है वन कॉमा टू है तो अभी हम इस ट, टी एक्स वाई को वन कॉमा टू टाइप में कन्वर्ट करेंगे फर्दर ठीक है थ्योरम्स के माध्यम से ठीक है फिलहाल बहुत सिंपल सी बात है कायम बी द सेट ऑफ डिफरेंसेबिल वैक्टर फील्ड ऑन द डिफरेंसेबिल्ड यम विथ कनेक्शन डी देन द मैपिंग टी कायम क्रॉस कायम टू कायम विच इज डिफाइंड एज टी एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई माइनस डी वाई एक्स माइनस ली ब्रैकेट एक्स वाई देन चूंकि आउटपुट भी वैक्टर फील्ड मिल रहा देन द वैक्टर फील्ड डी एक्स टी एक्स वाई is called the torsion tensor, or simply it is known as the torsion with connection d, and also the t is the tensor of type one comma two. Okay. So this is the fundamental definition of the torsion. Okay. Now, the uh, some remarkable things are here exist. the um, The first remark is here. The this is remark, or sometime it is note. This is remark number one. ठीक है रिमार्क नंबर इफ इट इज सिमेट्रिक कनेक्शन इफ समबडी सेज दैट योर कनेक्शन इज सिमेट्रिक इट मीन दैट द टॉर्सन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो अगर आपका कनेक्शन जो है वो सिमेट्रिक हो जाता है तो उस कंडीशन में जो आपका टॉर्सन टेंसर होगा वो आइडेंटिकली वैनिश कर जाएगा ठीक है तो हम यहां क्या लिखेंगे इफ इफ टी इज इक्वल टू जीरो इफ टी इज इक्वल टू जीरो

और सिमेट्रिक ठीक है सिमेट्रिक दस इफ टी इज़ इक्वल टू जीरो दिस इज वी हैव वी हैव क्या ली ब्रैकेट एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई माइनस डी वाई एक्स ठीक है नाउ दस द ली bracket the lee bracket is also is also related is also related is also related is also related in in terms of in terms of covariant वेरियंट डिफरेंशिएशन ठीक है बहुत सिंपल सी बात मैंने बताई कि अगर टॉर्सन आपका जीरो होता है तो उस कंडीशन में आपका जो कनेक्शन होगा जिस कनेक्शन के थ्रू टॉर्सन डिफाइंड हो रहा है उस कंडीशन में उस प्रकार के कनेक्शन को टॉर्सन फ्री या सिमेट्रिक कनेक्शन कहते हैं ठीक है तो आप पाएंगे क्या कि अगर ये टी जीरो हो जाएगा तो ली ब्रैकेट एक्स वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ को वेरियंट यू नो दैट द इन द प्रीवियस लेक्चर डी एक्स वाई इज रीड एज इट इज ए को वेरियंट डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है इसको पढ़ते हैं ठीक है तो उस कंडीशन में ये जो ली ब्रैकेट डिफाइंड है वो किसके टर्म में डिफाइंड हो जाएगा आपका को वेरियंट डिफरेंसिएशन के दो को वेरियंट डिफरेंसीशन के डिफरेंस के माध्यम से डिफाइंड हो जाएगा ठीक है तो आप इसे याद रखेंगे कि अगर आपका टॉर्सन वैनिश करता है तो उस कंडीशन में आपका जो कनेक्शन कहलाएगा आपका जो कनेक्शन है वो हमेशा सिमेट्रिक कनेक्शन या टॉर्सन फ्री कनेक्शन कहलाएगा ठीक है तो आई थिंक आप इतनी बातों को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे अब मैं थोड़ा सा और कुछ रिमार्केबल चीजों को यहां पर डिस्कस करना चाह रहा हूं <coughs> देखिए <दिखे>। हम <coughs> नेक्स्ट रिमार्क की बात करें सेकेंड रिमार्क की ठीक है सेकेंडरी रिमार्क इन इन टर्म्स ऑफ लोकल इन टर्म्स ऑफ लोकल कोआर्डिनेट एक्स आई लोकल कोर्डिनेट एक्स आई दोनेट टीके आई जे टीके आई जे of t, then t k i j. This is del upon del x k. This is defined t del upon del x i, del upon del x j. देखिए आप जो भी स्टडी पेपर में कर रहे हैं उसमें आप अगर पहला यूनिट भी देखे होंगे साथ ही साथ अगर दूसरा यूनिट देखे होंगे तो टोटली आप इंडेक्स फ्री नोटेशन की बात कर रहे हैं और ये पूरी कहानी जो है वेक्टर स्पेस के रिगार्डिंग होती है ठीक है इस बात का आप आपको ख्याल रखना होगा ठीक है लेकिन मैंने क्या कहा कि मैं इस टॉर्सन टेंसर को कंपोनेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट करूंगा लेकिन उसके लिए कुछ इनिशियल एजेंस हैं जिनकी सहा, जिनकी सहायता से आप उन्हें कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे उनमें से ये कि अगर आप लोकल क्वार सिस्टम में टॉर्सन लोकल क्वार मतलब इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स तो दिस इज टी के आई जे इज डिफाइंड एज टी के आई जे और ये डेल अपॉन डेल एक्स के के बारे में आप जानते होंगे ये टेंजेंट स्पेस का बेसिस कहलाता है और इस जो कलेक्शंस होते हैं टेंजेंट स्पेस वो हमेशा वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है जो कि आपने यूनिट टू में देखा होगा ठीक है तो ये इस तरीके से डिफाइंड है इसका रोल तब होगा जब आप इसे कंपोनेंट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो आप इसको इसको समझ पाएंगे तो बहुत सिंपल सी बात है टी और ये आपका वेक्टर फील्ड ही है क्योंकि टेंजेंट स्पेस के मेंबर को भी वेक्टर फील्ड आप कहते हैं तो ये टेंजेंट स्पेस का बेसिस है तो डेल अपॉन डेल एक्स आई डेल अपॉन डेलेक्स जे इन डिफाइन इन द इन द लोकल कंपोनेंट दिस इज टी टी के आई जे डेल अपॉन डेलेक्स के ठीक है तो आप इसे याद रखेंगे ये हमारा कंपोनेंट फॉर्म में रिड्यूस करने में इसका रोल होगा ठीक है नेक्स्ट थर्ड देखिए मैं यूनिट और यूनिट थर्ड पर फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो आपने बहुत डेप्थ में पढ़ा हुआ है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप उन चीजों को एनालाइज कर रहे होंगे और आप उसको पढ़िए और उसके बाद उसको कोरिलेट करेंगे तो आसानी से आप चीजों को समझ पाएंगे ठीक है नाउ इन इन टर्म्स ऑफ local in terms of local coordinate in terms of local coordinate xi the the component the component the component in terms of local coordinate uh, uh, the the tensor t is given by ya yeah, is given by then the instance, t then then kya yahan pe payenge this is t x y theek hai this is t del upon del x i और ये वाई जे डेल अपॉन डेल एक्स जे आपने देखा होगा कि किसी भी वेक्टर आ, वेक्टर को आप जो है उसके बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं पहले चैप्टर में बताया गया होगा और ये आप बी टू से पढ़ते आए हैं कि अगर टेंजेंट स्पेस का बेसिस है तो टेंजेंट स्पेस के हर एक मेंबर को आप उस बेसिस के कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं ठीक है तो अगर आप देखें तो यार ये बेसिस है ठीक है इसको आप तो ये जो ये जो एक्स और एक्स होता है ये हमेशा किसका मेंबर होता है एक्स आई और वाई जे जो मेंबर्स होते हैं वो किसके मेंबर होते हैं फील्ड के मेंबर होते हैं ठीक है तो वो इससे क्या हो जाएंगे आउटसाइड हो जाएंगे क्योंकि एक टेंसर भी है टेंसर का जो आउटपुट जाता है वो जो स्केलर्स होते हैं वो अपने आप क्या हो जाते हैं बाहर ठीक है तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे दिस इज एक्स आई वाई जे और ये टी दिस इज डेल अपॉन डेल एक्स आई और ये डेल अपॉन डेल एक्स जे ठीक है और ऊपर वाले रिजल्ट का यूज करेंगे तो दिस इज दिस और दिस इज टी दिस इज टी और ये हो जाएगा के आई जे और ये के आई जे और डेल अपॉन डेल अपॉन दिस इज डेल एक्स के बिल्कुल एक नया इंडेक्स यूज होगा ठीक है और यहाँ पे पता है कि एक्स के बारे में बोला जाता है दिस इज एक्स आई डेल अपॉन डेल एक्स आई ये चीज़ आपको पहले चैप्टर में प्राप्त होगी और वाई दिस इज वाई जे डेल अपॉन डेल वाई सॉरी दिस इज डेल अपॉन डेल एक्स जे ठीक है एक्स जे देन देन टी के आई जे टी के आई जे आर आर कॉल्ड आर कॉल्ड आर कॉल्ड देंट ऑफ टैंसर टी कंपोनेंट ऑफ टैंसर टी तो बहुत सिंपल इन बातों का आप ख्याल रखेंगे पहला इन टर्म्स ऑफ लोकल कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो टी डेलप डेलेक्स आई डेलप अपॉन डेलेक्स आपको पता है कि ये इस टेंजेंट स्पेस के मेंबर होते हैं ठीक है और जो ये इसको टी एक्स से बोलते हैं ठीक है और अगर टी एक्स स्टार की बात करते हैं आप तो ये डुअल टेंजेंट स्पेस या को टेंजेंट स्पेस होते हैं इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं डी एक्स आई फॉर्म के इसके जो आपके मेंबर्स होते हैं वो डेल अपॉन डेल एक्स आई या दूसरे शब्दों में डेल आई आप बात करते हैं जिसको आपने पहले चैप्टर में और दूसरे चैप्टर में डिस्कस किया होगा ठीक है तो ये लोकल टर्म के रूप में डिफाइंड हो गया ठीक है इसी तरह हम इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने एक्स और वाई को उसके बेसिस के टर्म लीनियर कमीशन के रूप में लिख दिया एक्स आई और वाई जे को बाहर कर लिया टी डेला पॉन्क्स आई डेला पॉन्ड डेलेक्स जे और ये कैसे डिफाइंड हो जाएगा दिस इज एक नया इंडेक्स के आई जे और उस कंडीशन में डेला पॉन्ड एलेक्स के ठीक है जहां पे एक्स इज इक्वल टू ये होगा वाई इज इक्वल टू ये होगा तो उस कंडीशन में टी के आई जे को आप कंपोनेंट ऑफ क्या कहेंगे टॉर्सन टेंसर कहेंगे या सिंपली टेंसर कहेंगे ठीक है तो ये कुछ रिमार्केबल चीजें हैं जिनको आपको ख्याल रखना होगा ठीक है अब हम एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो टॉर्सन टेंसर होता है वो हमेशा वेक्टर वैल्यूड होता है जो कि दिख रहा है आपको क्योंकि जो मैपिंग होती है वो काइएम क्रॉस कायम टू काइयम होती है और काइएम जो होता है वो डिफरेंसेबल वेक्टर फील्ड का क्या होता है कलेक्शंस होते हैं ठीक है काइएम इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंसेबल वैक्टर फील्ड ठीक है तो ऑब्वियसली ये वैक्टर फील्ड होता है दूसरी बात की जो टॉर्सन टेंसर होता है वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है और तीसरी बात कि आपका जो फंक्शन होता है वो बाई फंक्शन होता है क्योंकि हम मैनिफोल्ड पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो स्केलर की बात करेंगे जिसको हम लेमडा आप वहाँ से जैसे अगर आपको कहा जाए कि कोई फंक्शन बी है वो बाई है ठीक है तो बी के बाई होने का मतलब मान लीजिए बी इज ए मैपिंग फ्रॉम वी क्रॉस वी टू वी क्रॉस वी टू के इज द फील्ड ठीक है तो इस, इसमें क्या होता है वी u प्लस वी और दिस इज़ w ये ब्रेक होना चाहिए दिस इज b u कॉमा w दिस इज b दिस इज़ v कामा w ठीक है फिर b दिस इज u v प्लस w दिस इज इक्वल टू b u कॉमा v दिस इज b और दिस इज़ u कामा w ठीक है दूसरी बात दिस इज b और ये लेमडा u कॉमा v इज इक्वल टू लेमडा v this is b u comma v okay of here b this is u lambda comma v is equal to lambda v this is u comma v so this is the <coughs> definition of the bilinear function so your first objective is here first of all you try to prove that the torsion tensor is the vector valued the second one is it is skew symmetric in the slot whenever you say that the द सम टेंसर द सिमेट्रिक बी एक्स वाई इन द बोथ द स्लॉट नॉट मीन दिस इज बी वाई एक्स निगेटिव का फर्क पड़ना चाहिए अगर आप कॉम्पोनेंट को चेंज कर दे रहे हैं ठीक है तो हम अगला जो थ्योरम करने जा रहे हैं जो सवाल करने जा रहे हैं वो सिर्फ ये करने जा रहे हैं कि जो टॉर्सन टेंसर आपने डिफाइंड किया हुआ है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है वेक्टर फील्ड होता है साथ ही साथ वो आपका जो है बाईलियर फंक्शन होता है जिसका हम फ्रीक्वेंटली आगे के कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल करेंगे ठीक है तो हम अब उस उस थ्योरम के बारे में बात करने जा रहे हैं तो आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा थ्योरम के बारे में तो हम यहाँ पर बहुत बेसिक थ्योरम के बारे में बात करें फर्स्ट थ्योरम जिसे आप कह सकते हैं प्रूफ प्रूफ दैट द torsion tensor t is a vector is a vector valued vector valued this is by bi, bilinear 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 this is bilinear is q स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक फंक्शन तो ये आपका सवाल है अक्सर सेमेस्टर एग्जाम में पूछा भी जाता है और आपको फ्रिक्वेंटली इन चीजों के बारे में पता हो अगर आपने डिस्कस किया होगा तो ली ब्रैकेट भी बाई फंक्शन की बात को फॉलो करता था ठीक है ना अब हम जरा इसके प्रूफ की बात करें ध्यान से देखिएगा दिस इज वी दिस इज वी हैव d x y is equal to d x y minus d y x minus li bracket x y. Okay. This one is the <coughs> equation number one. Take okay. Now since d x y d y x or li bracket x y ज द मेंबर ऑफ काइएम मीन्स इट इज ए डिफरेंसेबिल वैक्टर फील्ड ठीक है तो यह सब ऑलरेडी डिफरेंसेबिल यूनिट टू में देखा होगा यह भी वैक्टर फील्ड होता है वैक्टर फील्ड होता है यह भी वैक्टर की जो मैपिंग होती है कायम क्रॉस काइएम टू काइएम होती है ठीक है तो यह सभी वैक्टर फील्ड है ठीक है दैट इज आर आर वैक्टर आर वैक्टर फील्ड टी एक्स वाई इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कायू तो ये पहली बात हो गई कि जो आपका टी एक्स वाई है वो आपका जो है वेक्टर, वेक्टर, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है ठीक है दूसरी बात कि हम इसे दिखाएंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है और फिर तीसरी बात मैंने बताया बाईन फंक्शन किसे कहते हैं तो हम मैनीफोल्ड के ऊपर दिखाएंगे कि ये आपका जो फंक्शन है जो टेंसर है, वो भी आपका जो है बाइलिनियर फंक्शन है सबसे पहले तो हम लोग सिमेट्री की बात करेंगे सिमेट्री दिखाने का मतलब txy tyx होना चाहिए। तो बहुत आसान सी बात है देखिए हम फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन वन के बारे में बात करें फ्रॉम इक्वेशन वन वी वाई इज इक्वल टू माइनस आप कॉमन ले लीजिए ठीक है दिस इज डी वाई एक्स माइनस डी एक्स वाई और प्लस ली ब्रैकेट एक्स वाई ठीक है आप लोगों ने यूनिट टू में देखा होगा कि जो ली ब्रैकेट एक्स वाई होता है इसको आपने प्रूव भी किया होगा और जो ली ब्रैकेट एक्स वाई होता है वो अपने दोनों स्लॉट्स में जो है एक्सक्यू सिमेट्रिक होता है तो आप यहाँ पे नेगेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है तो आप क्या लिखेंगे दिस इज टी एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस डी वाई एक्स माइनस डी एक्स वाई माइनस ली ब्रैकेट एक्स वाई ठीक है और आप इसको क्या लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस टी वाई एक्स ड्यू टू इक्वेशन नंबर वन ठीक है तो दिस दिस शोस दिस शोस दैट दिस शोस दैट टी एक्स वाई इज एस्क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक इज ए स्क्यू सिमेट्रिक इन एक्स एंड वाई ठीक है तो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट कि आपका जो टॉर्सन है वो वेक्टर वैल्यूड है पहली बात और जो टॉर्सन टेंसर है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए वो भी इसे फॉलो कर रहा है अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वेक्टर फील्ड सॉरी बाई के बारे में तो हम उसके रिगार्डिंग कैसे बात करेंगे मैंने कहा कि आप जब सिंपली बाई बात करते हैं तो एक मेंबर आप स्केलर लेते हैं लेमडा को बाहर करते हैं यहाँ पर हम सी इन्फिनीटिव लेंगे सी इन्फिनीटिव फंक्शन आपको यूनिट टू में मिल जाएगा वहाँ पर आपने मतलब अगर कोई फंक्शन जो है आर्यथ ऑर्डर का है उसका आर्यथ ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूसली जो है एग्जिस्ट और डिफरेंसेबिल होना होना शुरू कर देन सच ए फंक्शन आर सेट टू बी सी इनफिनिटिव टाइम इट इज आल्सो नोन एज द स्मूथ फंक्शन ठीक है तो हम यहाँ पर सी uh, कैसे लेके चलेंगे बाइलिनियर के बारे में बात कैसे करेंगे जरा आप ध्यान दीजिएगा मैं यहां लिख रहा हूं लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर बिलोंग्स टू द काई एम ठीक है एंड यफ इज ए सी इन्फिनेटिव सी इन्फिनेटिव फंक्शन सी इन्फिनेटिव सी इन्फिनेटिव फंक्शन ठीक है देन गौर करिएगा दिस इज वी देन वी है दिस इज टी एक्स प्लस वाई कॉमन जेड ठीक है अब टॉर्सेंट टेंसर की आप डिफिनीशन जानते हैं सिंपली आप उसे इंप्लीमेंट करिए डी दिस इज एक्स प्लस वाई जेड ये डायरेक्ट हो जाएगा माइनस टी सॉरी डी और दिस इज जेड और ये एक्स प्लस वाई ठीक है माइनस दिस इज एक्स प्लस वाई कामा जेड इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सिंपली आपने टॉर्सेंट टेंसर का डेफिनेशन लगाया uh, कैसे डिफाइन था टी एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई माइनस डी वाई एक्स माइनस तो यहाँ पर एक्स के जगह एक्स प्लस वाई हो गया तो जहाँ जहाँ एक वहाँ वहाँ एक्स प्लस वाई हो जाएगा ठीक है अब आपने यूनिट टू में जो है कनेक्शन पढ़ा था उस कनेक्शन की जो प्रॉपर्टी थी वो एक उनमें से एक प्रॉपर्टी ये थी कि डी एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू डी एक्स जेड और ये डी वाई जेड ठीक है और एक और प्रॉपर्टी थी डी एक्स दिस इज वाई प्लस जेड इज इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी एक्स जेड तो इन दोनों प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे ठीक है और दूसरी बात कि जो आपका लीड ली ब्रैकेट होता है वो भी आपका बाइलिनियर फंक्शन होता है तो बाइलिनियर का मतलब कि वो जो x और y है वो दोनों z के ऊपर अलग अलग क्या हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ठीक है तो अब हम क्या करने जा रहे हैं इसको देखिए यहां से आप लिख सकते हैं t दिस इज x प्लस वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू तो डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड माइनस डी जेड एक्स माइनस डी जेड वाई माइनस ली ब्रैकेट यक्स जेड माइनस ली ब्रैकेट वाई जेड ठीक है ये आपका हो जाएगा इसको आप थोड़ा सा सही कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं जब आप इसे अरेंज करेंगे तो आप कैसे करेंगे आ, आप इसको जब अरेंज करने की बात करेंगे तो आप इसे अरेंज करने के लिए जो दो, -दो पेयर बन रहे हैं उनको आप लोग जो है जैसे ही अरेंज करेंगे तो आपको दो टर्म्स यहाँ पे दिखेंगे देखिए दिखें कैसे इसको आप क्या लिख सकते हैं टी इज डी एक्स जेड माइनस डी दिस इज जेड एक्स माइनस ली ब्रैकेट एक्स जेड ठीक है प्लस ये एक ब्रैकेट में आप कर सकते हैं प्लस दिस इज डी वाई जेड माइनस डी जेड वाई माइनस ली ब्रैकेट वाई जेड ठीक है इसको आप क्या लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू टी एक्स जेड और प्लस टी दिस इज वाई जेड ठीक है दिस वन इज द दिस वन इज द इक्वेशन नंबर टू दिस वन इज द इक्वेशन नंबर टू फिर से आप सुनिए आप बाई के साथ जा रहे हैं तो अभी आपने दो वैक्टर लिए दोनों वेक्टर डिफरेंशियल वेक्टर फील्ड को यहाँ पे ऐड किया और यहाँ जेड अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना आपका ऑब्जेक्टिव है मतलब एक्स जेड के साथ और वाई जेड के साथ फंडामेंटल यहाँ पर आपने जो है फंडामेंटल यहाँ पे डिफिनीशन लगा दिया जो है कर्वेचर टेंसर की तो सॉरी टॉर्सन टेंसर की उसके बाद इसे लीनियर कनेक्शन के प्रॉपर्टी से ब्रेक कर दिया ये आपका बाई लीनियर होता है इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया दो अलग अलग टेमोलॉजी मिली इसका मतलब हो जाएगा टॉर्सेंट टेंसर ऑफ डी एक्स जेड और टॉर्सन टेंसर ऑफ वाई वाई कॉमा जेड तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता दिख रहा है ठीक है लेकिन ये अपने पहले स्लॉट में है चूंकि बाई लीनियर है तो अपने दोनों स्लॉट में होना चाहिए ठीक है तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ तो जब हम बाईलियर की बात करने जा रहे हैं ठीक है जरा गौर करिएगा तो नाउ अगेन द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट वन इज दिस इज आल्सो अब हम स्केलर वाली बात कर रहे हैं टी लेकिन यहाँ पे स्केलर नहीं सी इंक्लूटिव फंक्शन है ठीक है एक्स वाई अब यहां पर भी फंडामेंटल डिफिनीशन लगेगा डी दिस इज एफ एक्स वाई माइनस माइनस डी दिस इज वाई एक्स एफ और माइनस दिस इज ली ब्रैकेट एफ एक्स कॉमा वाई अब थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा इसके लिए हम कनेक्शन की प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं मैं यहाँ पे उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहली प्रॉपर्टी जो कनेक्शन की होती है कि दिस इज डी एफ एक्स वाई अगर एफ जो है वो सी इनफेटिव फंक्शन है तो उस कंडीशन में इसकी पहली प्रॉपर्टी आती है दिस इज एफ डी एक्स वाई ये प्रॉपर्टी आपने कनेक्शन में पढ़ रखी होगी ठीक है फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ देखिए दिस इज डी डी वाई यफ एक्स ठीक है हम इसको कैसे प्राप्त कर रहे हैं जरा गौर करिएगा यहाँ देखिए डी एक्स यू दिस इज वाई ठीक है इज इक्वल टू एक्स और दिस इज यू वाई यू वाई और माइनस माइनस दिस इज यू और ये डी एक्स वाई हम इसका थोड़ा सा रोल ले रहे हैं ठीक है क्या रोल ले रहे हैं गौर करिएगा दिस इज इसको आप क्या लिख सकते थे डी एक्स दिस इज यू वाई इस प्रॉपर्टी से आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ठीक है दिस इज इस प्रॉपर्टी से आप इसे आउटसाइड कर सकते थे ठीक है तो सॉरी uh, इसका सीधे सीधे प्रॉपर्टी है मैं इस पर नहीं जा रहा हूं डी एक्स एक्स अगर एफ सी इनफिनिटी फंक्शन हो तो क्या होता है जैसे इट इज वर्क लाइक ए सिंपल डिफरेंसिएशन लाइक दिस दिस इज एफ और ये डी एक्स सॉरी डी वाई एक्स डी वाई एक्स हो जाएगा ठीक है और प्लस प्लस दिस इज प्लस हो जाएगा ये डी वाई एफ और दिस इज यक्स ठीक है इसको आप क्या लिख सकते हैं यफ और ये डी एक्स वाई और प्लस इस प्रॉपर्टी से इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग दिस इज हम एफ की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा आपका सिंपली दिस इज वाई एफ यक्स क्योंकि एक प्रॉपर्टी और है जो कि सिंपली यहाँ पर डिफाइंड है डी एक्स यफ इज इक्वल टू एक्स एफ ठीक है इसका यूज कर रहे हैं अब एक और <coughs> फंडामेंटल पे हम जा रहे हैं आपने आ, जो है ली ब्रैकेट के रिगार्डिंग जैकोबी आइडेंटिटी पढ़ी होगी जैकोबी आइडेंटिटी क्या डिफाइन किया गया था देखिएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस इज जैकोबी आइडेंटिटी एफ और ये जी वाई वे एफ एंड जी आर द सी इंफिनेटिव फंक्शन ये कैसे था आपका एफ जी दिस इज ली ब्रैकेट एक्स वाई और प्लस प्लस दिस इज यक्स जी वाई माइनस जी दिस इज वाई एफ एक्स ठीक है वाई एफ एक्स ठीक है इसका हम यूज करेंगे एक और प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि अगर किसी वेक्टर फील्ड के ऊपर कांस्टेंट ऑपरेट होता है तो इसकी वैल्यू जीरो क्यों जीरो तो क्योंकि आप इसको लिख सकते थे XI, देल देल XI, और दिस इज इस तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा पार्शियल तो ये जीरो हो जाएगा ठीक है अब यहां समझिए ये वन है और ये आपका यफ है इंप्लीमेंट करिए तो पहली वैल्यू एफ दिस इज एक्स कॉमा वाई हो जाएगा ठीक है फिर यहां देखिए F बाहर हो रहा है F को बाहर करिए प्लस F के साथ बाहर लिया और एक्स जी एक्स जी मतलब ये हो जाएगा आपका x1 x1 और ये बाहर y, ठीक है फिर माइनस g बाहर मतलब वन बाहर और ये हो जाएगा आपका y दिस इज f, f, ये x, ठीक है तो ये तो वैनिश कर जाएगा ये जब वैनिश कर जाएगा तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी f दिस इज x y एफ एक्स वाई इसको मैं रफ कर रहा हूँ और ये माइनस हो जाएगा आपका वाई एफ और ये एक्स ठीक है तो ये कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जिनका हमें ऊपर इस्तेमाल करना है आप फिर से इसको ध्यान से देखिए ये पहले स्लॉट में तो हो चुका है इक्वेशन नंबर टू के रिगार्डिंग इसको मैं रफ कर रहा हूँ ठीक है अब यहां पे देखिए ये एक्सेप सी सी आपका जो है वेक्टर फील्ड था इसको आपने लिया अब यहां पे सिंपल डिफिनेशन को इंप्लीमेंट कर दिया टार्स एंड टेंसर का कनेक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि डी एक्स एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ डी एक्स वाई डी एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स एफ और डी वाई एफ एक्स इज वर्क लाइक फर्स्ट फंक्शन बाहर सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन बाहर यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को हमने लगा दिया तो ये हो जाएगा ठीक है अब इसकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग जैकोबी आइडेंटिटी का यूज़ करें जो कि आपने जो है इस्तेमाल किया होगा ली डेरीवेटिव वाले में तो एफ जी तो एफ जी बाहर एक्स वाई प्लस यस जी वाई माइनस जी वाई एफ एक्स ठीक है अब यहां पर किसी भी वेक्टर फील्ड के ऊपर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ऑपरेट होता है वैल्यू जीरो क्योंकि इसका जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है एक्साइड आई सी ऑपरेट होगा जीरो अब इनका इस्तेमाल इक्वेशन नंबर एवव में करिए ठीक है, है तो जब हम इसका यूज ऊपर करेंगे यूजिंग यूजिंग दी यूजिंग दी इन इन एव वी गेट क्या वी गेट दिस इज एफ एक्स वाई एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ यफ देखिए बाहर हो गया और ये डी एक्स वाई दूसरे वाले में हम यूज कर रहे हैं इसके जगह तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस और दिस डी वाई एक्स ठीक है फिर माइनस वाई एफ एक्स क्योंकि आगे निगेटिव है और फिर आप यूज करिए माइनस फ और ये ली ब्रैकेट एक्स वाई ठीक है आ, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस वाई एफ एक्स तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा इसमें से आप यफ कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स वाई माइनस डी वाई एक्स माइनस ली ब्रैकेट एक्स वाई और इसको आप क्या लिख सकते हैं एफ और ये टॉर्सन टेंसर टी एक्स वाई ठीक है दिस वन इज़ दिस इज़ आल्सो इक्वेशन नंबर थाट लेकिन अभी आपने जो दिखाया है वो सब फर्स्ट स्लॉट में है जो आपने एक्स प्लस वाई वाली बात भी कही वो भी फर्स्ट स्लॉट में था जो आपने यहाँ पर स्केलर या फिर सी इनफ्रिटी फंक्शन को मल्टीप्लाई किया पहले कॉम्पोनेंट में वो भी फर्स्ट स्लॉट में था लेकिन बाइल इनियर होने के लिए दोनों स्लॉट में होना चाहिए तो अब हमें यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं फ्राम From two and three, two and three it is it is clear it is clear that t is linear in first slot. First slot. Okay? Say this one is the equation number one.

तो आपने साबित कर रखा है कि टी एक्स प्लस वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू टी एक्स जेड प्लस टी वाई जेड सब जगह की बात लगाइए माइनस टी दिस इज कॉमा वाई चूंकि x, y. Z, x T, Z, y. Z, y सब आर्बिटरली है यहां पर पे प्लस जेड हो, हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक तो है तो आर्बिटरली हैं आपकी बस जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होना चाहिए ठीक है तो आप यहां से क्या लिखेंगे T दिस इज z x प्लस वाई इज इक्वल टू टी दिस इज z x और प्लस t दिस इज z y तो ये तो अपने आखिरी स्लॉट में भी जो है बाइलिनियर के के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है ठीक है अब इसके से इक्वेशन नंबर फोर आप इसे बोल सकते हैं से इक्वेशन नंबर फोर ठीक है अब आप जो है नेक्स्ट वाले पे आइए फिर अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड अगर आप देखें तो यहां से आप क्या लिख सकते थे टी दिस इज यफ सॉरी टी वाई दिस इज यफ यक्स इज इक्वल टू माइनस यफ और ये टी वाई एक्स ठीक है यहां से आप लिख सकते थे टी वाई यफ यक्स इज इक्वल टू एफ दिस इज टी वाई एक्स ठीक है दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर फाइव ठीक है फोर और फाइव के बारे में सोचिए तो फ्रॉम फ्रॉम फोर एंड फाइव फ्रॉम फोर एंड फाइव इट इज इट इज क्लियर इट इज क्लियर दैट इट इज क्लियर दैट टी इज लीनियर इन सेकेंड स्लॉट यानी कि जो टी की लीनियर वाली प्रॉपर्टी है वो सेकेंड स्लॉट में भी हो गई ठीक है बहुत सिंपल सी बात आप इक्वेशन नंबर टू के साथ गए क्योंकि टॉर्सन टेंसर इसी में साबित किया कि वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है स्क्यू सिमेट्रिक की वजह से आपने ऐसा लिख दिया तो आप पा रहे होंगे कि सेकेंड स्लॉट में भी एक्स प्लस वाई करने पर वो सेपरेट हो जा रहा है ठीक है और सेम स्केलर या सी इन्फिनिटी फंक्शन के लिए भी ऐसा हो रहा है तो आप इसे इक्वेशन नंबर बी बोल सकते हैं ठीक है दिस इज इक्वेशन नंबर बी ठीक है तो इक्वेशन ए से फर्स्ट स्लॉट में लीनियर हो गया इस इक्वेशन बी से सेकेंड स्लॉट में लीनियर uh, हो गया यानी आप इसे बोल सकते हैं कि इक्वेशन ए एंड बी एक और नाम है इक्वेशन ए एंड बी आर सोज दैट इट इज़ ए डिस्ट्रीब्यूटिव एट होमोजीनियस इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्लॉट इट मीन दैट कि इट इज ए बाई फंक्शन मतलब अगर ये होमोजीनियस और डिस्ट्रीब्यूटिव अपने फर्स्ट और सेकेंड स्लॉट में हो जाता है तो इस प्रकार के फंक्शंस को आप लोग कैसा फंक्शन कहते हैं बायलेनियर ठीक है तो हम यहां पर उन चीजों को कंक्लूड करने जा रहे हैं इक्वेशन ए और बी की सहायता से ठीक है तो नाउ, फ्रॉम ए फ्रॉम ए एंड बी फ्रॉम ए एंड बी from a and b this is shows shows that t is t is t is uh, t is distributive distributive and homogeneous in first and second first and second slot hence T X y is a is a vector is a vector valued vector valued बाई दोनों स्लॉट में लीनियर हो जाए ठीक है बाईलियर स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक फंक्शन तो ये थ्योरम ये स्टेब्लिश कर रहा है कि जो टॉर्सन टेंसर होता है वो आपका वेक्टर वैल्यूड भी होता है साथ ही साथ लीनियर भी होता है अपने दोनों स्लॉट में इसके वजह से ये बाइलिनियर हो जाता है ठीक है और तीसरी बात कि ये सीमेट्रिक होता है ठीक है तो आप ये ख्याल रखिएगा कभी कभी इस सवाल को बोल सकता है कि प्रूव दैट द टॉर्सन टेंसर इज डिस्ट फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव एंड होमोजीनियस प्रॉपर्टी इन द फर्स्ट एंड सेकेंड क्लॉट तब भी आपको यही काम करना है ठीक है तो आप इसे ध्यान से देखिएगा फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगेन टॉर्सन टेंसर के ही कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में आएंगे और उसके जस्ट बाद हम लोग फिर जो है कर्वेचर टेंसर के बारे में बात करेंगे ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को